हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये प्यारा सा हल्दी लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और काफ़ी इजी तरीके से मैं बताऊँगी ताकि आप लोग भी इसको क्रिएट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनके फेस को फेस वॉश कर लिया था और उसके बाद मैं इनके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ ताकि मेकअप अच्छा आए, और साथ में ही मैं इनको यहाँ पर प्राइमर लगा रही हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ, सारा प्रोडक्ट जो है मेकअप स्टूडियो का है, और इसके बाद मैं यहाँ पे इनको कलर करेक्टर लगा रही हूँ। तो जहाँ पर भी इनके हल्के हल्के डार्क स्पॉट है, वहाँ पे मैं कलर करेक्टर देकर उसको करेक्ट कर दूँगी। और इसके बाद मैं इनके आईब्रो को फिल करने वाली हूँ। तो आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर एंगुलर ब्रश का यूज कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे ब्राउन जेल यूज कर रही हूँ इनके आईब्रो को फिल करने के लिए। तो इनका जो आईब्रो का शेप था, बस उसको मैंने अच्छे से फिल किया है और इसको मैं शेप दूंगी एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लिया है और फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं इनके आईब्रो को एक फिनिशिंग लुक दे रही हूँ। तो आईब्रो को एक फिनिशिंग लुक देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारा जब मेकअप हो जाए तो जो आईब्रो होता है वो हमारे मेकअप का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आईब्रो को आप लोग सही तरीके से करेंगे तो मेकअप लुक काफ़ी अच्छा आता है। जो भी एक्स्ट्रा कंसीलर था हटाने के बाद मैं यहाँ पे इनको कंसीलर लगा रही हूँ इनके आईज के ऊपर, और फिर इसको पाउडर से मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि इससे जो होता है हमारा आई मेकअप काफ़ी अच्छा उभर के आता है। तो इनके आईज़ पे जो मैं है बहुत लाइट आई मेकअप करने वाली हूँ। दोनों आँखों के साइड में मैं यहाँ पे सेलो टेप लगा रही हूँ, जिससे हमारा जो आई मेकअप है वो और भी अच्छा उभर के आएगा। मेरे पैलेट में जो सबसे लाइट कलर है उसको देकर मैं इनके क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और इसके बाद ब्राउन शेड लेकर दोनों को मैं मिक्स कर दूँगी। इनका जो इनर वी है वहाँ पे मैं लाइट येलो कलर दे रही हूँ, क्योंकि इनका हल्दी लुक है तो मैं येलो और ऑरेंज से इनका आई मेकअप करने वाली हूँ। दोनों साइड येलो देने के बाद आउटर वी पे मैं इनका ऑरेंज शेड दूंगी, ताकि इनका जो ड्रेस है उससे काफ़ी मैच करता हुआ इनका आई मेकअप हो, और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन सीमर दे रही हूँ, ताकि इनका जो आई मेकअप है उसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है। तो बहुत ही लाइट सा आई मेकअप मैं कर रही हूँ, बट आफ्टर मेकअप जब मेकअप हो जाएगा आप लोग देखेंगे कि इनका आई मेकअप काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाला है। आउटर वी पे मैं यहाँ पे इनको ऑरेंज शेड दे रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से दोनों कलर को ब्लेंड कर ले रही हूँ, ताकि कोई भी कलर ऐसा ना लगे कि बस हमने आंखों पर लगाया और हो गया। इसलिए इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और यहाँ पर जो है मैं इनको हाइलाइटर लगा दे रही हूँ। तो इसके बाद मैं इनको बिल्कुल गोल्डन कलर का आईलाइनर से इनके आँखों को ऊपर बिल्कुल एक शेप दे दे रही हूँ, जिससे कि वो काफ़ी और ज़्यादा इनका जो आई मेकअप है वो ब्यूटीफुल लगेगा। और इसके बाद मैं इनको आईलाइनर लगा रही हूँ। तो आईलाइनर बिल्कुल सिंपल सा लगा रही हूँ मैं इनको, और साथ ही इनका जो मैंने सेलो टेप लगाया था उसके ऊपर से मैं विंग बना लूँगी। तो सेलो टेप लगाने का फ़ायदा यही है कि आपको विंग बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। सो अब मैं इनका बेस मेकअप करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने इनके पूरे फेस पर डॉट डॉट करके यहाँ पे फाउंडेशन लगा दिया है। यहाँ पे मैं मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। फाउंडेशन लगाने के तुरंत बाद मैं यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इनका जो फाउंडेशन उसको ब्लेंड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को जो मैंने है गीला करके उसमें जितना भी पानी था उसको निचोड़ लिया था, और उसके बाद मैं इसको फटाफट से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दी हूँ। जब भी आप फाउंडेशन लगाएं उसको ब्लेंड ज़रूर कीजिए, काफ़ी टाइम देकर ब्लेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल बेकार हो जाएगा और बाद में जाके आपका मेकअप फट जाएगा। इसलिए ब्लेंडिंग में काफ़ी अच्छे से टाइम दीजिए और काफ़ी टाइम लेकर उसको ब्लेंड कीजिए, ताकि आपका जो मेकअप है वो 4 घंटे के बाद भी वैसा ही रहे।
थोड़ी देर के बाद ही आप लोग देखेंगे कि इनका जो फाउंडेशन था वो काफ़ी अच्छे से बैठ गया था और इनका जो लुक है बिल्कुल फ्लॉलेस लुक आया था, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से फाउंडेशन बैठा था। जब आपका फेस का फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग नेक में फाउंडेशन लगाइए, वरना क्या होता है वो सूख जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिक्विड हाइलाइटर लेकर हाइलाइटर जोन जो भी है वहाँ पे इनके फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। तो एक ब्लेंडर के हेल्प से मैं इनका फेस जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। तो अगर आप लोग के पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो आप लोग जो है फाउंडेशन के हेल्प से भी इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे TL पाउडर से इनके मेकअप को अच्छे तरीके से सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि मेकअप को सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी ग्लोई सा लुक आ जाता है और बहुत बार हम लोग पाउडर स्किप करते हैं, बट पाउडर कभी स्किप नहीं करना चाहिए। आप लोग को पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए वरना आपका मेकअप जो है आगे जाके फट सकता है। सो यहाँ पे मैं इनको जेल काजल लगा रही हूँ एंगुलर ब्रश के हेल्प से, उसके बाद स्मज ब्रश की हेल्प से लाइट ब्राउन आई शेडो लेकर मैं इसको अच्छे तरीके से स्मज कर दूंगी। अब मैं इनको हल्का हल्का कंटूरिंग कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी लुक है तो बहुत ज़्यादा कंटूरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दिन का मेकअप है तो बहुत हल्का सा कंटूरिंग करेंगे। इसके बाद मैं इनको बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्लश लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पिंक पिंक हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, और ये बिल्कुल एक हल्का सा हल्दी लुक है तो इसमें यही अच्छा लगता है। तो अब मैंने इनको लगा दिया है बिंदी, और यहाँ पे मैं इनको हाइलाइटर लगा रही हूँ बिल्कुल हल्का सा, और बिंदी लगाने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इनको यहाँ पे आईलेस लगा रही हूँ, और आईलेस लगाने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल देख रही थी ये। इसके बाद मैंने इनको मस्करा भी लगाया था, और साथ में मैं यहाँ पे इनको रेड लिपस्टिक लगाकर इनका मेकअप जो है मैं फिक्स कर रही हूँ मेकअप फिक्सर से। और ये है इनका ज्वेलरी, तो ये ज्वेलरी पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि हल्दी लुक है तो इसमें आजकल यही चलता है, तो बिल्कुल इतनी सुंदर लग रही थी, आप लोग खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनके हेयर को मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस नीचे से हल्का हल्का कर्ल कर दिया था। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अभी आई मेकअप आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा होगा, उस समय इतना समझ में नहीं आया होगा, बट जब आप लोग पूरा रेडी कर देते हैं तो सिंपल सा आई मेकअप भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो ये है इनका फाइनल लुक, और यहाँ पे बस ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।